हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकोज कमांडोज। हम लोग पिछले क्लास में जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि कैसे ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था और एवरी मैक्लॉरिड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने प्रूव किया था फाइनली एवरी मैक्लॉरिड एंड मैकार्टी ने कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दैट मीन्स कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा था। उसी सीरीज में एक और एक्सपेरिमेंट है जो हर्से एंड के साहब ने किया था, ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रूफ हुआ था, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसकी वजह से आया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ओके। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1952 में किया था, कहीं कहीं 1951 भी मिलता है, तो 1952 या 51 जो भी रहे आप हिसाब से देख लेना। इसके लिए उन्होंने ई कोलाई का T2 फाज पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। माइक्रो मल्टीपल एलील्स में जो जीन कॉन्सेप्ट है वहाँ पे T4 फाज है, और हर्से एंड केज के एक्सपेरिमेंट में T2 फाज है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ओके। T2 फाज क्या है? एक बैक्टीरियोफाज है जिसका हेक्सागोनल हेड होता है, ओके। फिर उसका टेल होगा, टेल का भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन टेल सीप से कवर्ड होगा। फिर टेल प्लेट होगा, उसमें 6 स्पाइक्स होंगे और फिर टेल फाइबर्स होंगे 6। ये तो आप लोग जानते हैं। ये जो हेड है इसका जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और अंदर में डीएनए होता है जो इसका प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि एक तो प्रोटीन है और डीएनए है जो मेन है इसके बॉडी में। तो प्रोटीन में होता है, हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड, और डीएनए में फॉस्फेट, नॉर्मल फॉस्फेट होता है। लेकिन इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया। जिस मीडियम में वो लोग ग्रो कर रहे थे बैक्टीरियोफाज को, उसमें फॉस्फोरस का 32 वाला जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो यूज किया, ठीक है। और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सल्फर का 35 यूज किया, ये भी रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया। पहले हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस का। जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 32 वाला फॉस्फोरस यूज किया, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया, वैसा T2 फाज पहले ग्रो कर लिया जिसमें फॉस्फोरस 32 था, उसको फिर इस फाज को ई कोलाई में इन्फेक्शन कराया। यहाँ पे आए ई कोलाई, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए पार्टिकल अंदर जाता है, डीएनए की वजह से फिर ये डीएनए अंदर जा करके सेल का अपना मशीनरी कमांड में लेकर के फिर सेल में बहुत सारा डीएनए बनाया। बाद में इसका लाइसिस हुआ और फाइनली बहुत सारे पार्टिकल्स, फिर प्रोटीन को भी बनाया और बहुत सारे बैक्टीरियोफाज यहाँ से रिलीज हुआ। ये क्लियर है। इसके बाद इन्होंने देखा कि जो डॉटर फाजेस थे उसमें यहाँ पे फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वहां पे दिख रहा था डॉटर फाजेस में, ओके। जितना भी रेडियो एक्टिविटी था, और जो बाद में ये बॉडी बच गया, क्योंकि सिर्फ डीएनए यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ ना, जो बॉडी बच गया इसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करा करके यहाँ से डिटैच कर दिया ताकि इस सेल के साथ ये बॉडी नहीं जाए, सिर्फ डीएनए का पार्ट ट्रांसमिट हो। तो जब डीएनए का पार्ट ट्रांसमिट हुआ तो वो डॉटर फाज में रेडियो एक्टिविटी दिखा, क्योंकि डीएनए ही था जो रेडियो एक्टिव था और डीएनए ट्रांसमिट हुआ। तो इससे उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ये रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रूफ किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने सल्फर 35 के लिए किया। सल्फर डीएनए में नहीं होता है कहीं भी, है वो प्रोटीन्स में होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो सल्फर था वो प्रोटीन में था, और वो प्रोटीन है इसका कोट। हम लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन में ये कोट बाहर ही रह जाता है, अंदर सिर्फ डीएनए जाता है, कोट बाहर रह गया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो वो बैक्टीरिया के बॉडी से डिटैच हो गया, और इसकी वजह से जो डॉटर फाजेस थे उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आया। दैट मीन्स कि प्रोटीन इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंटल फाज टू डॉटर फाज, ओनली डीएनए पार्ट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंटल फाज टू डॉटर फाज। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर्से एंड केज ने फाइनली प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ओके। और इसी एक्सपेरिमेंट से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी आ गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या, ये तो 52 में हुआ। इसके कुछ सालों बाद दो और साइंटिस्ट थे, कॉनरेड एंड सैंगर। इन दोनों ने प्रूफ किया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। वो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हुआ।
नेक्स्ट है हमारा कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसको प्रूव किया था फ्रैंकल कॉनरेड ने और सिंगर साहब 1957 में। इनका एक्सपेरिमेंट था वायरस के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स और सारे यूकैरियोट्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट इन केस ऑफ सम वायरसेस आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल। और ये इन्होंने प्रूव किया। ये कैसे हुआ? इसके लिए उन्होंने टीएमवी, मेनली उन्होंने टोबैको मोजैक वायरस को यूज किया, और एक और वायरस उन्होंने यूज किया जो था होम्स रिबग्रास वायरस। ओके, ये दोनों ही वायरस को उन्होंने टोबैको प्लांट के ऊपर यूज किया। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टोबैको मोजैक वायरस लिया। ओके, यानी टोबैको मोजैक वायरस से इन्फेक्टेड जो टोबैको प्लांट था, इन्फेक्टेड प्लांट का वो लिया। इसमें इन्होंने देखा कि ये जो प्लांट है, मतलब जो भी प्लांट टोबैको का टोबैको मोजैक वायरस से इन्फेक्टेड होता है उसमें मॉटलिंग सिम्टम दिखता है। ठीक है, अब देखो ये सिम्टम टीएमवी में क्या है, टीएमवी में उन्होंने देखा इसके पास तो डीएनए है ही नहीं, या तो इसके पास प्रोटीन है या फिर आरएनए है। तो ये डिजीज कॉज कर सकता है या तो प्रोटीन या आरएनए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहां से आइसोलेट किया टोबैको प्लांट से वायरस को, फिर उसमें से प्रोटीन और आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्रोटीएज और आरएनए को यूज करके उसको सेपरेट कर लिया। जहां पे यानी कि हेल्दी प्लांट है, हेल्दी टोबैको प्लांट है, और उसके साथ इन्होंने प्रोटीन यूज किया तो कोई सिम्टम नहीं आया, नो सिम्टम। बट व्हेन ही यूज्ड टोबैको प्लांट विद आरएनए ऑफ टोबैको मोजैक वायरस देन सिम्टम्स अपीयर्ड। दैट मींस कि डिजीज कॉज करने के लिए वायरस का आरएनए जरूरी था, और आरएनए जरूरी था, वो डिजीज कॉज कब करेगा, जब वो अपना मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो मल्टीप्लीकेशन किया आरएनए के थ्रू, आरएनए इज द मेन कॉज, दैट मींस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ देयर बॉडी। तो ये फाइनली प्रूफ हो गया कि टीएमवी में, एटलीस्ट टीएमवी में तो आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, ये इन्होंने प्रूफ कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सटेंड किया। एक और वायरस था एचआरवी वायरस, यानी होम्स रिबग्रास वायरस, ये इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था प्लांटेगो लेंसियोलाटा प्लांट्स। यहां से एक्सट्रैक्ट करके एचआरवी को इन्होंने फिर से हेल्दी टोबैको प्लांट में डाला, और यहां पे रिंग लाइक सिम्टम दिखाई दिया। यहां पे मॉडलिंग सिम्टम था, टीएमवी की वजह से मॉडलिंग सिम्टम आता है, जबकि एचआरवी की वजह से रिंग लाइक सिम्टम दिख रहा था लीव्स के ऊपर। ओके, इसमें भी उन्होंने वही किया कि अगर उसका आरएनए आ रहा था, आरएनए को हम लोग अप्लाई कर रहे थे टोबैको प्लांट के ऊपर, तो ये सिम्टम दिख रहा था, उसके प्रोटीन पार्ट से सिम्टम नहीं आ रहा था, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा था। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को और श्योर शॉट फिक्स करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि देखो उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि टीएमवी का आरएनए यूज किया और एचआरवी का प्रोटीन, टीएमवी का आरएनए था और एचआरवी का प्रोटीन था तब, और इस दोनों को टोबैको प्लांट के ऊपर यूज किया। तो फिर जो प्लांट्स थे उसमें टीएमवी का सिम्टम आया, यानी कि मॉडलिंग सिम्टम आया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टीएमवी का प्रोटीन यूज किया और एचआरवी का आरएनए, तो रिंग लाइक सिम्टम आया। तो ये तो प्रूफ हो गया कि जिसका आरएनए यूज कर रहे हैं, अगर टीएमवी का आरएनए है तो टीएमवी जैसा मॉडलिंग सिम्टम दिखा रहा है, अगर एचआरवी का आरएनए है तो एचआरवी का जैसा सिम्टम दिखा रहा है, रिंग लाइक सिम्टम, और जब दोनों के आरएनए को मिक्स करके यूज किया तो दोनों ही सिम्टम दिखाई दिए प्लांट में। ठीक है, तो यहां पे ये भी प्रूफ हो गया कि जिसका आरएनए है वैसा ही सिम्टम दिखाई देगा, प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन तो जो आरएनए है वैसा प्रोटीन वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर लेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने फाइनली ये प्रूफ किया, फ्रैंकल कॉनरेड एंड सिंगर ने, कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ओके, और फिर ये हो गया कि सिर्फ डीएनए नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में, सॉरी सारे यूकैरियोट्स में, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है। हालांकि ऐसे भी वायरसेज हैं जहां पे डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है,
और सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड दोनों ही हैं, जो हम लोग वायरस का एक क्लासिफिकेशन पढ़े थे, बहुत बहुत पुराने स्टार्टिंग का क्लास है एक, उसमें मैंने बताया है कि हर एक वायरस का एक क्लासिफिकेशन है कि किस में क्या है जेनेटिक मटेरियल, वो लेक्चर भी आप देख सकते हो। थैंक यू।